उठाए कई सवाल। राज्यपाल के अभिभाषण में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक का जिक्र हुआ, साथ ही G20 की बैठकों का भी जिक्र हुआ। अब कल बजट पेश किया जाएगा। वहां में राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का दस्तावेज होता है और जो जिसमें न दृष्टि है, न विजन है, न संकल्प है, न सच्चाई है, ये सब झूठ का परिंदा है। और इसमें उत्तराखंड राज्य के चौमुखी विकास के लिए, नौजवानों के भविष्य के संदर्भ में, बेरोजगारी दूर करने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं जो चरमरा चुकी हैं उसको कैसे राज्य के पूरे प्रदेश भर में सुव्यवस्थित किया जाए, सड़कों की हालत दयनीय है और माफियाओं का बोलबाला है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तमाम विषयों पर इसमें कहीं पर भी किसी बात का जिक्र नहीं किया गया है। बजट सत्र को लेकर प्रदेश में सियासत जोरों पर है। राजधानी देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत ने गैरसैंण के अनदेखी के विरोध में गांधी पार्क में एक घंटे तक मौन व्रत रखा है। हरीश रावत ने गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित नहीं किए जाने को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। देखिए, गैरसैंण हिमालयी राज्य का प्रतीक है, एक शब्द प्रतीक शब्द है। संसद ने गैरसैंण नहीं, इस उत्तराखंड को हिमालयी राज्य की परिकल्पना के साथ बनाया। इसका जो सृजन हुआ, इसका जो स्थापना हुई, वो हिमालयी राज्य के रूप में हुई। और हिमालय का स्वभाव है शीतलता, ठंडापन, बर्फ भी पड़ेगी, बारिशें भी होंगी, जंगल भी होंगे, चढ़ाई भी होगी। तो यदि सरकार को गैरसैंण जाने में ठंड लगे तो इसका मतलब है आप हिमालयी राज्य की अवधारणा का अपमान कर रहे हैं। खुद विधानसभा ने सर्वसम्मति से